kids, good morning. Jai Swami Narayan. See, in skill book, on page number 7, write down the date first. It is 16th November 21, right? Yesterday we have done in our English textbook. Capital and small letter T. Now, for a little bit more practice, we will do the same in our English skill book. Okay? So again we will trace and write capital letter T and small letter T. So T for top, T for tiger, T for tap. Now see how to trace capital letter T. So first we will draw one standing line and then slipping line. Okay, 1, 2, done. It's capital letter T. And you know how to write. You already have done in textbook. See, write capital letter T of these two pages. Now, please turn your page. Now see, on page number 121, small letter T. So, how to trace? Again, we will draw one standing line and we will end with a little bit curve and then we'll draw one slipping line in this way. It is small letter T. Okay? So, please complete these two pages too. See you kids. Bye-bye. Have a nice day. Suprabhat, mere pyare bachcho. Jai Swami Narayan. हिंदी की बुक पेज नंबर 14. सबसे पहले आज की तारीख लिखेंगे 16 नवंबर 21. आओ दोहराए, चित्र को नाम के पहले अक्षर से मिलाओ. देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उसी चित्र के नाम का पहला अक्षर दिया गया है. हमें क्या करना है, हमें ये चित्र को पहचान कर वही ईश्वर से उनको मैच करना है. ओके, तो ये पिक्चर कौन सा है, उपहार. तो हम बोलते हैं ना ऊ से उपहार, तो ये रहा छोटा ऊ से उपहार. उसके बाद वाला पिक्चर है एल्बम. एल्बम पता है ना, जहाँ हम कहीं घूमने जाते हैं या किसी की शादी में जाते हैं या मंगनी में जाते हैं तो सबके फोटोज गिराते हैं, उसका वो एल्बम बनाते हैं, राइट. तो ऐसे एल्बम. फिर ये है ऊन. मैंने आपको ऊन दिखाया था, ऊन से क्या क्या बनता है, ऊन से टोपी बनती है, स्वेटर बनता है, राइट. तो बड़ा ऊ से ऊन. और ये क्या है, ऐलान. हमें जब अपना कोई मैसेज किसी के पास दोहराना है या उनको पास करना है मैसेज, तो ये इसका उपयोग करते हैं जिससे आवाज़ बड़ी आती है. तो ये ऐलान, ऐसे ऐलान. हिंदी की ही बुक में पेज नंबर 15, ओके, उसमें भी आज की डेट डालो 16 नवंबर 21. चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाओ, बराबर. अभी ये जो चित्र दिया है उसका एक नाम रहता है, बराबर. तो उसका जो पहला अक्षर आता है उसके ऊपर हमें गोला करना है. जैसे कि ये उद्बिलाव है, तो हमें पता है कि बड़े उसे उद्बिलाव होता है, तो हमें बड़े ऊपर गोला करना है. उसी तरह ये कौन सा पिक्चर है, एक तारा, तो हमें इसमें से एक ढूंढना है और एक के ऊपर गोला करना है. अभी तीसरा पिक्चर यहाँ पे दिया है उस तरह, तो छोटे ऊ से उस तरह होता है, तो हमें छोटे ऊ के ऊपर गोला करना है. और अब हमारा आखिरी पिक्चर है ऐनक. ऐसे ऐनक, तो हमें आई पे गोला करना है. ओके, थैंक यू, बाय बाय. आज हम बच्चों हिंदी की नोटबुक में भी अ से ऐ तक की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले आप ऊपर डेट डालो. आज की तारीख है 16 नवंबर 21. हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली,
बड़ी ई से ईक, ऊ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। और ये आपका होमवर्क है जहाँ पे आपको इसी तरह से बोल के लिखना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।